अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो आपके पास बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर होना है कि कोविड से पार पाना। और ऐसा कोविड का नया वायरस जो बहुत ट्रांसमिसेबल है, बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, यंगर जनरेशन को भी अफेक्ट कर रहा है और मोर्टेलिटी पहले से ज्यादा है, तो आपका आंसर ये ही होने वाला है। तो जवाब आपको क्या मिलेगा कि भाई ये जो वायरस नया आया है ये एक म्यूटेशन का परिणाम है। तो आपका क्वेश्चन होगा, अरे भाई पहले भी तो कोविड आया था, हमने उसको भी हराया था, ये फिर म्यूटेटेड वायरस क्या बला है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा सिंपल सी साधारण सी हिंदी लैंग्वेज में कि म्यूटेशन का क्या मतलब है और इसने हमारे जीना जो हराम किया हुआ है इस म्यूटेटेड वायरस ने, इसका क्या कारण है और हम इससे कैसे पार पा सकते हैं। तो क्या सबसे पहला जो म्यूटेशन वायरस का हुआ कोविड-19 का, वो इंडिया में ही हुआ? नहीं, सबसे पहला जो म्यूटेशन है वो ब्रिटेन में हुआ, उसके बाद साउथ अफ्रीका में हुआ और इस सबको रिकॉर्ड किया गया। बाकी कंट्रीज में भी ये म्यूटेशन हुआ है, इंडिया तो एक्चुअली काफी बाद में आया है जब यहाँ पर ये म्यूटेशन होना शुरू हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत ही साधारण सी एनालॉजी की थ्रू इस म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप सामने एक जींस देख रहे हैं, कोई भी जो एनवायरनमेंट है जो कंटेमिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, या फिर आपका जो इकोसिस्टम है जो आपको वल्नरेबल बनाता है, इन द सेंस के आपकी इम्यूनिटी इस टाइम पे डाउन है, तो जो एनवायरनमेंट है आपको एक जीन पहनाने की, जींस जो मैं आपके सामने फोटो में दिखा रहा हूं ये पहनाने की कोशिश कर रहा है और आपको ये पसंद नहीं है। जीन्स को आप एक वायरस की तरह समझिए, आप कोशिश करते हैं कि इसको आप ना पहने और बाय एनी चांस अगर ये आपने पहन भी ली, इसका मतलब ये हुआ कि वायरस आपके अंदर चला गया। उसके बाद भी इनक्यूबेशन पीरियड के दौरान आपने इस वायरस को हरा दिया और इस जीन्स को उतार के फेंक दिया। अब वायरस क्या कर सकता है आपके पास दोबारा आने के लिए, यानी कि कोई भी अगर आपका इकोसिस्टम ये कोशिश करता है कि आपको वो जीन्स जो है दोबारा पहना दे, इस बात को आप थोड़ा सा भी अगर फोकस करेंगे तो समझ जाएंगे। पहली बार जब ये चीज आपको पहनाने की कोशिश की गई तो जो आपने अफर्ट किया उसमें ऑब्वियसली इस वायरस का कुछ नुकसान हुआ, इस जीन्स का कुछ नुकसान हुआ, ये फट गई, वायरस भी डैमेज हो गया। तो फिर वायरस सोचेगा कि अब मैं कैसे और क्या करूं इस सिस्टम के अंदर एंट्री के लिए। अब वायरस ने क्या किया, वायरस ने रियलाइज किया, जैसे इस जीन्स ने रियलाइज किया ये घुटनों से कमजोर थी, वायरस ने भी रियलाइज किया कि वो कहीं पे कोई कमजोरी थी जिसकी वजह से वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाया और आपने उसको फेंक दिया इनक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही, यानी कि वो डिजीज कॉज नहीं कर पाया। तो जीन्स के केस में अगर आप उस एनालॉजी को लेते हैं तो जीन्स ने रियलाइज किया कि भाई पिछली बार जब लड़ाई हुई तो जो घुटने से मैं कमजोर थी और अभी मैं घुटने के ऊपर एक पैच वर्क लगा के कोशिश करता हूं कि मैं दोबारा इसको पहन जाऊं, यानी कि आपको पहना दें, यू नो जीन्स इज नथिंग बट द वायरस। नाउ ये जो पैच वर्क है अगर ये एक ही घुटने में है तो यू कैन कॉल इट ए सिंगल म्यूटेशन, सिंगल चेंज, और अगर दोनों में है तो यू कैन कॉल इट ए डबल म्यूटेशन। आई होप आई एम गेटिंग सम क्लैरिटी टू यू, इट कैन बी ए सिंगल म्यूटेशन, इट कैन बी ए डबल म्यूटेशन, पर वायरस के लिए ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि वो आपके शरीर में एंट्री करे, अपने आप को सस्टेन करे, अपनी वीकनेस को कमजोर वीकनेस को खत्म करे, यानी कि वीकनेस को जो खत्म करने का एक डिफेंसिव प्रोसीजर वायरस के पास है उसको आप म्यूटेशन कह सकते हैं। अब वायरस ने सिंगल म्यूटेशन किया, डबल म्यूटेशन किया, लेकिन उसके बाद भी उसने देखा कि उसकी एंट्री आपके बॉडी में नहीं हो पा रही है, क्योंकि या तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई या फिर आपने बहुत ज्यादा अफर्ट किया इस जीन्स को उतार के फेंकने के लिए, तो डबल म्यूटेशन भी फेल हो। तो वायरस ने रियलाइज किया कि कमजोरी कुछ जरूरत से ज्यादा ही है,
तो उसको अपने आप को, यानी कि अब अपने आप में से उसका क्या मतलब है, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है जिसको वो जीनोम बोलता है, उसको मल्टीपल चेंजेस लाने पड़ेंगे। सिंगल और डबल तो फेल हो गए, अब वो ट्रिपल भी हो सकते हैं, 4 बार भी हो सकते हैं, 5 बार भी हो सकते हैं, वायरस म्यूटेशन कर सकता है। और ये पॉसिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आफ्टर ऑल इस वायरस का साइज या जीनोम का जो ओवरऑल साइज है, अगर आप जीन्स को ही लें, जो मैंने आपके सामने फोटो रखा हुआ है, तो जीन्स की सपोज लेंथ है 42 इंचेस, वो तो कितनी जगह वो पैच वर्क कर सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पैच वर्क लेके आए, और वायरस के केस में भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन लेके आए कि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, दैट इज वन, उसको पता ही नहीं चले बॉडी को कि ये कौन सा वायरस है भाई, कितना चेंज हो गया, या फिर बॉडी के पास उसके अगेंस्ट में कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म ही नहीं हो और वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करे लेकिन फेल हो जाए। फिर अगर वो फेल हो गई तो फिर ऑब्वियसली बीमारी होगी। इन द सेंस अगर एनालॉजी के तहत अगर आप ले, तो ये जीन्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको इसको पहनना ही पड़ा, क्योंकि पैच वर्क यानी कि म्यूटेशन उतने उसने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आपके पास कोई भी ऑप्शन रह नहीं रहा। तो ये सिंगल म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, फोर्थ टाइम म्यूटेशन, फिफ्थ टाइम म्यूटेशन, कितनी बार म्यूटेशन, कितना हो सकता है, ये जीनोम के साइज पे, यानी कि एनालॉगी ले तो जीन्स के साइज पे डिपेंड कर सकता है। म्यूटेशन इतनी बार और इतना ज्यादा भी हो सकता है कि पता चला कि जो ओरिजिनल वायरस है उसकी जगह एक नया ही वायरस जो है वो बॉडी को इन्वेड करने की कोशिश करता है। बॉडी के पास एडवांटेज क्या है, जब पहली बार वायरस आया था तो बॉडी के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे थोड़ी सी मेमोरी सेल्स डेवलप हो गई थी, तो बॉडी क्या करेगी, अगली बार जब म्यूटेटेड वायरस आएगा तो वो उसको आसानी से पहचान लेगी। लेकिन अगर म्यूटेशन बहुत ज्यादा है और डेडली है और उसने वायरस का पूरा जीनोम ही चेंज कर दिया, तो उस हालत में बॉडी के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो उसको पहचाने और उसके अगेंस्ट में जो फाइट है, जो कि यूजुअली यू नो आपकी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और आपकी जो एंटीबॉडीज हैं उनके थ्रू होती है, तो यू नो अगर वो पहचानेगा ही नहीं तो फिर ये लड़ाई भी नहीं होगी। इन द सेंस बॉडी विल गिव अप। अगर एनालॉगी ले तो जीन्स आपको पहननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जीन्स तो इस पैचवर्क के बाद बिल्कुल ही नई नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप इसको रोक सके या फिर ना पहने। और सिंपल सी बात है, जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, म्यूटेशन वायरस के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और अगर म्यूटेशन होता ही रहता है, कंटिन्यूअस म्यूटेशन होता रहता है, यू नो कोई वायरस अपने आप को बार बार रीडिजाइन, रीडिफाइन एंड रीओरिएंट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, तो बॉडी के पास क्या ऑप्शन है, बॉडी के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, अनलेस बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उस वायरस को पहचान ले और हर बार उसको थ्रो आउट कर दे। इसको आप एनालॉजी के सहारे आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये वायरस तो बार बार म्यूटेट करता रहेगा, बार बार मैं बीमार होता रहूंगा, कोई वैक्सीन भी काम नहीं करेगी, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सी बात है, ये एक लड़ाई है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो साइंटिस्ट के, वायरस के और होस्ट तीनों के बीच में चलता रहता है। साइंटिस्ट बार बार इस वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसने अपने अंदर क्या चेंज लाया, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी वैक्सीन में चेंज कर सकते हैं। स्पेशली जहां पर किल्ड वैक्सीन है उसको बड़ा एडवांटेज रहता है इस लड़ाई को लड़ने में, क्योंकि हर बार का जो बैच साइज है, यू नो नया जो बैच बनाते हैं वो नए म्यूटेटेड वायरस को ले लेते हैं। बट ओवरऑल जो अगर आप देखो तो जो कोई भी वैक्सीन है, अगर वायरस ने बहुत ही ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर नहीं किया, तो कोई भी वैक्सीन है, इंडिया में इस टाइम पे दो ही वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन,
जनरली सिंगल म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, इस सब में जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो अच्छी खासी इफेक्टिव रहने वाली है। और जो डाटा अभी तक सामने आया है उसमें भी आपने देखा होगा कि एक बार वैक्सीन के बाद इन्फेक्टिविटी बहुत कम रहती है, जबकि जो वातावरण में या एनवायरनमेंट में जो वायरस है वो एक्चुअली जो रिकॉर्ड किया गया है वो ऑलमोस्ट डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है। इसके बावजूद भी वैक्सीन काम कर रही है। इसका मतलब है कि आपके पास सबसे बड़ी डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है? वैक्सीन, और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा मास्क। आपने तीनों के तीनों प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करना है और फॉलो करना है जिससे आप ये लड़ाई जीत सकें। हमारे साइंटिस्ट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए वायरस को, म्यूटेटेड वायरस को बार बार आइडेंटिफाई करें, वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेके आए और इस वायरस को ना जीतने दें, चाहिए कितनी बार भी म्यूटेशन कर ले। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।